श्यामानंद प्रभु तुम बोलो, श्यामानंद प्रभु दे दो। सारा दुनिया सुन रहे, विश्व में जा रहे। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब तो छोड़ करके सीधा जैसे ना जिनका कथार गोटे मैंने ये कर दे स्लो टक ये कर दा एक जैसे छड़े में चेस्ट कर तो काम से जब देवकी माता के गर्भ में जब ठाकुर जी आ जाते हैं तो क्या होता है, देवकी माता थी कहाँ पे ना, कारागार पे। अब इतने में क्या हुआ, कारागार पूरा उज्जवल हो गया। अब जब कम से देखते हैं कि देवकी माता के गर्भ में सब लोग सिपाही लोग बोलते हैं कि ऐसे तो आज तक हमने कभी देखा नहीं, कारागर पूरा इतना अंधेरा और कालपुर वाला कारागर क्या हो ना, उजाला हो गया। तो कम से जब आता है देखने के लिए तो देवकी माता को देख के वो क्या करता है ना, पहले वो भयभीत हो जाता है कि सच में ये मुझे कोई मारने वाला अभी आ गया। अब इतने में क्या हुआ, जो
देवी की माता के मुख पे स्वाभाविक सुख था, मतलब स्वाभाविक आनंद था। पहले पहले इनके जितने भी पुत्र, छह पुत्र का क्या हुआ, वध करने का, और मेरे बहन के साथ एक गर्भवती को वध करने का क्या होगा, मुझे दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा, दुनिया में मेरा क्या होगा ना, नाम नीचे हो जाएगा। तब इतना सोच के ये क्या कर रहा है ना, फिर ये नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा देवी की माता जब क्या करेंगे ना, जो है चार लोग वहां पे खुश होते हैं, कौन कौन से गुर्जर बताए थे, एक तो किसान, दूसरे में मोर, तीसरे में जो चातक पक्षी, और चतुर्थ में बताया था कि जो दावा नल में दग्धपुर जो हाथी। यहाँ पे कौन खुश हो रहे हैं ना, किसान कौन है, किसान क्यों खुश होता है कि मान लो किसान कोई बीज बो लिया, अब यहाँ पे बारिश नहीं होगा तो फसल, मतलब जो फसल ठीक से खेती नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो उदासीन रहता है। जिस समय मेघ को देखता है तो वो आनंदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है कि अभी तो बारिश होने वाला है, अभी क्या होगा, मैं जिस इतने मेहनत से किया गया जो फसल को बोया है, अभी क्या होगा ना, ये सस्य सावन में भर जाएगा। तो इतने में क्या होता है, जो ब्रह्मा जी, ये कौन है ना, ये किसान शत्रु थे, इन्होंने क्या किया ना, सृष्टि को एक सृष्टि रचना किया, और सृष्टि में क्या होता है, जब बड़े बड़े दैत्य रूपी जी क्या करते हैं, अभी ठाकुर जी आने वाले हैं, कितने सुंदर सुंदर लीला के ब्रज में क्या के उद्देश्य बता रहे थे कि नंदेश्वर पर्वत के रूप में ये ब्रज में विराजमान कर रहे, क्यों, इसके ऊपर ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी के चरणा धूलि यहाँ पे इस पर्वत पे गिरेगा, ठाकुर जी यहाँ पे क्या करेंगे ना, मधुर मधुर लीला करेंगे। अब इन्होंने जब ठाकुर जी भी आए तो इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को शिव जी दर्शन करके नंदेश्वर महादेव के रूप में नंदगांव में विराजमान करते हैं। अब ये शिव जी प्रसन्न होते हैं भवश्य, और यहाँ पे तीसरे में बता रहे हैं कौन ना, तीसरे में जो चातक पक्षी, चातक पक्षी होता है और उसको कोई वैर नहीं, उसको शिकार करने के लिए ये मार दिया, क्या चला दिया, तीर चला दिया। तो इतने में वो क्या किया, उसका प्राण वो गंगा में गिर गया, जिस समय गंगा में गिरा वो झट करके अपना मुंह को बंद कर दिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये उधर उधर का पानी, कोई भी चीज का पानी नहीं पीते, ये बस बुझाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये हाथी कौन है ना, ये इंद्राद देवता लोग, जब दैत्यों के भय से और दैत्यों के अत्याचार से इंद्राद देवता लोग क्या होते हैं ना, इधर उधर जब सभी से भाग जाते हैं ये लोग, इंद्राद देवतागण ये सब विशेष रूप में भगवान आने के पहले प्रसन्न हुए थे। बहुत बढ़िया, पहले जो बोला अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले पूतना को मारा, उसमें उसमें जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और उसमें पांच ज्ञानेन्द्रिया है, चक्षु करना यह त्वचा, इसको तरह हम विषय को भोग। तो भगवान कृष्ण का काम नहीं है असुरों को मारना, असुरों को वध करने के लिए कानो दक्षाय गर्भो दक्षाय जो उनके साथ सारे अवतार आते हैं वो असुरों का वध करते हैं। भगवान कृष्ण तो अपने सखाओं के साथ में, गोपियों के साथ में, मैया यशोदा के साथ में वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, यही उनका एकमात्र काम है। और एक अर्थ इसका गुरुदेव बता रहे थे कि अथ अंश भागेना, अर्थात देवकी के गर्भ में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो अंश रूप में आएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ आएंगे, पूर्ण रूप से वो जन्म लेंगे मैया यशोदा की गर्भ से, ये इसका एक और अर्थ बताया था। एक चीज यहाँ पर वर्णन करते हुए गुरुदेव कह रहे थे कि देवकी का जो यहाँ पर वात्सल्य भाव है वो क्या है, ऐश्वर्य मिश्रित है, वो पूर्ण रूप पूर्ण नहीं है, वो अंश रूप में ही है। क्यों, क्योंकि जब भगवान कृष्ण कारागार में प्रकट हुए थे तो उन्होंने किस प्रकार का दर्शन दिया था, चतुर्भुज रूप, घुंघराले केश, पीतांबर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान कृष्ण ने वहां पर पहले दर्शन दिया। बाद में जब देवकी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु मैंने तो आपको बालक रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी थी, तो भगवान तब बालक बन के बन जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे थे कि
सब समय यशोदा सब समय देवकी के मन में ये भाव है कि ये भगवान है, तो इसलिए उनका वात्सल्य भी पूर्ण नहीं है, वात्सल्य अंश रूप में है। किंतु पूर्ण रूप में वात्सल्य कहाँ प्रकट है, वो है यशोदा माँ के पास में। यशोदा जब किस प्रकार यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराया, उनको शासन किया, जब उनकी कुछ भी उनको उनको पोखल से बांध दिया, कुछ चोरी करते थे तब उनको गाली दी, तो इस प्रकार भगवान का शासन, भगवान यशोदा मैया जैसे एक स्वाभाविक रूप में माँ अपने पुत्र पर शासन करती है, वैसे ही यशोदा मैया ने उनको पालन किया है, तो इसलिए उनका पूर्ण रूप में वात्सल्य प्रकाशित हुआ है। उसके बाद में बता रहे थे प्राप्यसी त्वाम यशोदाया नंद पत्नियां भविष्यति। इस लाइन के अंदर भगवान कृष्ण योग माया को लक्ष्य करके कह रहे थे कि तुम भी यश नंद 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 पत्नी अर्थात यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होगी, किंतु तुमको वात्सल्य प्रेम नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा जन्म होगा तो वसुदेव महाराज तुमको लेके और मथुरा चले जाएंगे और जगत में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, जगत में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, तुम्हारे अनेक अनेक नाम भी होंगे। इसलिए देखो गुरुदेव बता रहे थे कि इस प्रकार जितने जितने कृष्ण भक्त हैं उससे उतने ही देवी के भी भक्त बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का ही आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण ने ही योग माया को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी बहुत पूजा होगी, और जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने लीला करी है उसके अनुरूप उनके अनेक अनेक नाम हुए हैं। देवी के लिए भी ऐसा ही हुआ है, देवी के भी अनेक अनेक नाम हैं। हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार जब शंकर जी जब सती ने देह त्याग दिया यज्ञ कुंड में, तो शंकर जी उनके देह को लेकर जब फिर रहे थे, भगवान ने उनके सती जी के शरीर को 52 खंड कर दिए, तो उसके 52 पीठ स्थापित हो गए। यहाँ पर अनेक अनेक नाम भी बताए थे विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने अपनी टीका में। एक नाम हमने सुना था दुर्गा, तो दुर्गा जिसको समझना बड़ा कठिन है इसलिए एक देवी का नाम था दुर्गा। एक नाम बताया था विजया, जिसकी सब जगह पर विजया विजय प्राप्त होती है। एक नाम बताया था वैष्णवी, क्योंकि वो विष्णु की शक्ति स्वरूप है। एक नाम बताया था भद्रा, भद्रा मतलब जो मंगलमयी है। एक नाम बताया था कुमुदा, जो सबको जो सब समय आनंद में विलास करती है, इसलिए एक नाम था उनका कुमुदा। चंडी, माधवी, कन्या, अनेक अनेक नाम बताए थे। तो यहाँ पर बता रहे थे कि ये देवी की देव भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही देवी की इतनी पूजा होती है। तब और एक चीज गुरुदेव बता रहे थे कि जो अलग अलग देवी देवता हैं उनको भी भगवान कृष्ण ने ही नियुक्त किया है, जैसे इंद्र को, इंद्र चंद्र इत्यादि जो सब इन सबको जो दायित्व है वो भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा स्वयं बंद क्यों करवाई। तब विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि अब यदि कोई संसारिक व्यक्ति अगर इंद्र पूजा करे तो करे, किंतु ब्रजवासी, ब्रजवासी एकमात्र ब्रजवासी कौन है, वो भगवान कृष्ण के भी आराध्य हैं, भगवान कृष्ण भी स्वयं ब्रजवासी की पूजा करते हैं। हम सुन रहे थे जैसे जब नंद बाबा भगवान जब नंद बाबा कृष्ण को कहते हैं कि लाला मेरे खड़ाव तो ले आ, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने सिर पर उनके खड़ाव को लेते हुए ठुमकते ठुमकते बाबा को ला कर देते हैं। हाँ, यशोदा मैया का के वात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए भगवान उनके शासन को भी स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी कृष्ण के भी पूज्य हैं, तो ये ब्रजवासियों को इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्र पूजा अगर कोई दूसरा और व्यक्ति कर रहा है तो करो, लेकिन मेरे ब्रजवासी इंद्र पूजा नहीं करेंगे। और एक चीज गुरुदेव बता रहे थे कि जब कात्यायनी देवी की पूजा करी, कात्यायनी की पूजा जो ब्रजगोपियों ने करी है, तो वहां पर भी उद्देश्य क्या है, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की। क्या बताया था, कात्यायनी महामाए महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, कि उनकी एकमात्र इच्छा क्या थी कि नंद का गोप अर्थात नंद गोप का जो पुत्र है वो हमको पति रूप में प्राप्त हो, यही एकमात्र इच्छा थी। इसलिए ब्रजवासी कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। जो लोग संसारिक सुख चाहते हैं वो तो योग माया की या देवी की या अन्य अन्य देवताओं की पूजा करे, किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति चाहते हैं वो एकमात्र कृष्ण की ही पूजा करेंगे। उसके बाद में एक श्लोक के अंदर हमने सुना था भगवान अभी विश्वात्मा भक्तानां भयंकर अविवेश अविवे अंशेन भागेन मना आनंद दुंदुभी। इस श्लोक के अंदर सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है भगवान। इस शब्द की हमने विस्तृत रूप में व्याख्या कल भी सुनी थी, परसों भी सुनी थी, तो उसको अभी स्किप कर देते हैं। उसके बाद में बता रहे हैं भगवान अभी विश्वात्मा, कि भगवान कौन है, विश्व आत्मा अर्थात सर्व पूरे विश्व की आत्मा स्वरूप कौन है, भगवान ही है। और एक अर्थ यहाँ पर कह रहे थे कि भक्तानां अभयंकर, कि भक्तों को अभय देने वाले हैं भगवान, इसलिए वो विश्वात्मा है।
जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में भी कहा है ना कि अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। भक्तों का एकमात्र आश्रय क्या होता है? भगवान के चरण कमल, और वही भगवान के चरण कमल क्या उनको अशोक अभय प्रदान करते हैं, इसलिए वो विश्वात्मा है। अब यहाँ पर जो दूसरी लाइन है वहां पर बता रहे थे कि अंश भागे ना मना आनक दुंदुभी, इसके अंदर बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो जैसे एक संसारिक, जैसे हमारा जन्म होता है क्या कैसे होता है, स्त्री और पुरुष के मिलन से एक संतान उत्पत्ति होती है, शौक्र जन्म जिसको कहते हैं। तीन तरह के जन्म बताए गए हैं ना, शौक्र जन्म, सावित्र जन्म और दैक्ष जन्म। तो ये शौक्र जन्म जो माता पिता के मिलन से जो संतान उत्पत्ति होती है उसको शौक्र जन्म कहते हैं। तो क्या भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो ऐसा नहीं है? वो क्या है, यहाँ पर बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का, इसलिए गीता में बताया है भगवान ने जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि मेरा जन्म कर्म कैसा है, दिव्य है, ये साधारण नहीं है, और जो इसको अच्छे से जान लेता है नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो यहाँ बता रहे थे कि वसुदेव महाराज के हृदय में सबसे पहले भगवान पूर्ण रूप में प्रकट हुए, और जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए तो वसुदेव महाराज ने बड़े ही सुंदर रूप में हरिकथा, हरिकथा के माध्यम से हरिकथा सुनाई देवकी को, और हरिकथा के माध्यम से ही भगवान कृष्ण शब्द ब्रह्म के रूप में देवकी के हृदय में चले गए। तो यहाँ पर एक रूपक बताया गया था कि जैसे गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, गुरु शिष्य के कानों में मंत्र देता है, और वही मंत्र, मंत्र क्या है, शब्द ब्रह्म भगवान स्वरूप ही है, वही मंत्र जब कहा जाता है शिष्य के हृदय में चले जाता है, और जब शिष्य उसका जाप करता है तो फिर वापस उसको भगवान की स्फूर्ति होती है, भगवान की चिंतन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में किस प्रकार आए, शब्द ब्रह्म के रूप में वसुदेव महाराज से आए। और एक श्लोक यहाँ पर हम श्रवण कर रहे थे कि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रेजे, कि देवकी भगवान कृष्ण कौन है, वो उनके अंदर सारे विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है, भगवान कृष्ण से ही सारे विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। यस्य एक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम गिरिजा जगदंड नाथ, ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि जिन भगवान कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश से अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके लोम कूप से निकल रहे हैं। कैसे, जब एक सांस लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर से सांस जब अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मांड भगवान के अंश के अंदर विराजमान है, किंतु वो ही आज किसका आश्रय बने हैं, देवकी मैया का। तो यद्यपि भगवान सर्व जगन निवास है, किंतु आज देवकी मैया उन भगवान को अपने गर्भ में धारण कर रही है, भगवान को देवकी मैया धारण कर रही है, ये बताया था। और जब भगवान उनके गर्भ में आते हैं तो उनका कैसा तेज है, उनका अभूत एकदम बहुत ही सुंदर, पूरा कारागार जो है आलोकित हो गया है, उनके मुखारविंद पर जो हंसी है बहुत ही नेचुरल, जो स्वाभाविक हंसी है, गुरुदेव बताते हैं इस प्रकार उनका रूप है। और इसको दर्शन किसने किया, इसको दर्शन देवकी ने किया, वसुदेव ने किया, और कंस ने जब देखा तो कंस भी इस चीज को देखकर भयभीत हो गया। गुरुदेव यहाँ पर एक उदाहरण बता रहे थे कि जिस प्रकार किसी घर में अगर अग्नि लग जाए, तो घर में यदि आग लगे भी हो, घर बंद हो, तब तो वो आग घर के अंदर ही रहेगी, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अग्नि जो है घर को पूरा फाड़ के और पूरा जला देती है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में जब है तब उसका दर्शन कौन कर रहा है, वसुदेव और कंस ने ही किया, किंतु जब वही कृष्ण गर्भ से बाहर आएंगे तब कंस को उसके सारे भाइयों समेत, सब उसके जो राक्षस थे पूरे दल के समूह पूरे समेत उसको जलाकर भस्म कर देंगे। इसके बाद का जो श्लोक था वो तो हमने श्रवण कर ही दिया। एक चीज जो गुरुदेव ने बताई थी कि नंदीश्वर जो मोर है, मयूर कौन है, भगवान शंकर जी मयूर है। तो वो शंकर जी आनंदित क्यों हो रहे थे, जिस प्रकार एक मयूर नृत्य करता है काले काले मेघ को देखकर, जब काले मेघ सुशोभित हो जाते हैं, घर 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 शब्द होता है, तो उस समय पर मयूर नृत्य करने लगता है, तो उसी प्रकार शंकर जी भी आनंदित हो रहे थे। शंकर जी क्यों आनंदित हो रहे थे, क्योंकि वो नंदीश्वर पर्वत के रूप में, नंदगांव जो है वो क्या है, नंदीश्वर पर्वत ही है। अभी भगवान कृष्ण वहां आएंगे और वहां आकर सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे, तो इसीलिए नंदीश्वर पर्वत आनंद जो नंद बाबा नंद क्या नाम है शिव जी आनंदित हो रहे थे। और गुरुदेव ने वहां पर एक सुंदर लीला भी बताई थी कैसे जो है शिव जी
भगवान कृष्ण का बाल्य रूप दर्शन करने के लिए जब आए थे तब यशोदा मैया सहज रूप में दर्शन नहीं करवाना चाह रही थी, किंतु भगवान किंतु शंकर जी वहां पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए, बोले मैं लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। तो मैया यशोदा वहां पर कह रही थी कि हमारे घर के नंद भवन के अनेक अनेक द्वार हैं, तो मैं लाला को इस दरवाजे से बाहर ही नहीं निकालूंगी, और द्वारों से बाहर निकालूंगी। तो शंकर जी भी वहां पर कहने लगे कि मैं भी अनेक अनेक रूप धारण करके सभी सभी द्वारों पर बैठ जाऊंगा। फिर बाद में शंकर जी वहां पर बाहर बैठे बैठे ही आंखें बंद करके और भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपके इस बाल्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं कैलाश छोड़ के आया हूँ, तो आप दया करके मेरे स्वरूप मेरे मुझे दर्शन दो। तब क्या होता है, भगवान कृष्ण अंदर रोने लग जाते हैं। तो मैया यशोदा यहाँ पर सोचती है कि जरूर ये बाबा जो बाहर बैठा है कोई ना कोई जादू टोना जानता है, मेरे लाला रोने लग गया है। तब मैया बड़े ही कष्ट से भगवान कृष्ण को काले कपड़े में लपेट के और मोटी मोटी काजल लगा के और लेकर आती है। जब दर्शन करवाती है तो अब तक तो कृष्ण रो रहे होते हैं, लेकिन अब जो क्या होता है, दर्शन करने मात्र से ही शंकर जी रोना चालू कर देते हैं और भगवान कृष्ण हंसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैया यशोदा सोचती है कि निश्चित रूप में बाबा को जादू टोना जानता ही है, क्यों, क्योंकि अब तक तो इसने लाला का हंसना ले लिया और इसने बाबा का रोना ले लिया और स्वयं आपकी हंसी बाबा लाला को दे दी। तब वहां पर मैया प्रार्थना करती है कि मेरे लाला को बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, आप कुछ उपाय बताइए। तो वहां पर शंकर जी कहते हैं कि जब तुम्हारे लाला को स्नान करवाओगी तो स्नान का जो चरणामृत है वो जल को मेरे ऊपर लाके डाल देना, और जब वो प्रसाद पाएगा तो जो उच्चिष्ट रहेगा वो प्रसाद भी मुझे अर्पण करना। तो आज भी ये चीज जो है नंदगांव में देखी जाती है कि भगवान कृष्ण का उच्चिष्ट और उनका स्नान जल जो है वो नंदीश्वर पर्वत पर दिया, नंदीश्वर महादेव पर दिया जाता है। तुम बोलो उनको दे दो माइक, माइक दे दो माइक। ओम ज्ञानति मीरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदा श्रीधर गोस्वामी ते नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय श्री श्रीमद्भक्ति वेदा श्री नारायण गोस्वामी ते नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं कुसुमान्तं नारायणं तं शिष्यं नमामि। सर्वप्रथमे मेरे गुरुदेव पूज्यपाद परिवचकाचार्य तिदंडी स्वामी ओम विष्णु पादष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दमन में व्यापित करती हूँ। तदुपरांत में परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर सदस्य में बोलने का प्रयास करूंगी कि भागवत है क्या। सबसे पहले भागवत के बारे में बताया कि भागवत है क्या, तो भागवत में क्या है, भगवान का जो बाल्मीकि स्वरूप है वो भागवत है। और भागवत के अंदर कितने स्कंद है, 12 स्कंद है। उन 12 स्कंदों को एक श्लोक में बताया गया है कि पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुरीयो कथितो यदुरो नाभि स्थिता पंचमो षष्ठो भुजान्तरम द्वयुग्लम तथान्यो कंठस्थ राजन्नमो यदियो मुखारविन्दं दशम प्रकुण्डो एकादशो यस्य लाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशे भाति तमादि देवं करुणा निधानं तमाल वर्णम स्वीतावतारम अपार संसारम समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। कि जो इसकी 12 स्कंद है वे कैसे हैं, पादो यदि हो जो इसका पहला और दूसरा जो स्कंद है वो क्या है, भगवान के चरण है। तृतीय तुरीयो कथितो यदुरो और जो तीसरा और चौथा स्कंद है भगवान की दोनों जंघाएं हैं। नाभि स्थिता पंचम और जो पंचम स्कंद है भगवान का नाभिदेश है। षष्ठो इसमें कहा जो छठा स्कंद है भगवान का वक्ष स्थल है। फिर कहा भुजांतरम दो युगलम तथान्यो जो सातवां और आठवां जो स्कंद है भगवान की दोनों भुजाएं हैं। कंठस्थ राजन्नमो और जो नौवां स्कंद है वो भगवान की क्या है, कंठ है। यदियो मुखारविंदं दशम फर्वुल्लम और जो दसवां स्कंद है भगवान का मुख प्रदेश है। एकादश यस्य ललाटपट्टम और एकादश जो इसका ग्यारहवां स्कंद है भगवान का ललाट है। और कहा सिरोपि तु द्वादशे भाति और जो द्वादश स्कंद है वो भगवान का सिर है। फिर बताया तमादि देवं करुणा निधानं तमाल वर्णम स्वीतावतारम अपार संसारम समुद्र सेतु भजामहे
भागवत स्वरूपम कि मैं जो इस भवसागर से मतलब जिसको शरण मात करने से क्या होगा, इस भवसागर से अनायास ही पार कर जाएंगे, मैं उन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो फिर भागवत, भागवत है क्या, भागवत में चार वर्ड है भागवतम, तो इसमें बताया गुरुदेव ने भाति सर्वेशु लोकेशु गायते नारद आदि भी वा वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु तरणी च भगवान नमः, कि बताया कि जिसको क्या करते हैं, जिसको नारद आदि भी गान करते हैं, और फिर बताया वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु जो सभी शास्त्रों में क्या है, वरिष्ठ है, सबसे उत्तम है, इसे मतलब एक बेस भी बताते हैं कि जो हमारा बेस है, और फिर कहा कि तरणी च भगवान नमः, और जिसको करने से क्या होगा, इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। फिर बताया कि स्त्री लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, लूट के और अपना माला मार जाते हैं। इसी प्रकार ये श्रीमद श्रीमद यानी राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी क्या करती है, जब राधा रानी श्री कृष्ण प्रेम में जो दीवानी हो जाती है, पूरी उन्मत्त हो जाती है, तो वह क्या करती है, इस प्रेम को लुटाना शुरू कर देती है, और जो भी इस प्रेम के जो रसिक है, जो भी कंगाल लोग हैं, वे इस प्रेम को क्या करते हैं, लूटते हैं। तो ये है राधा रानी का जो प्रेम, अथवस्तु सिद्धम तापत्रो उन्मूलन श्रीमद भागवते महामुनि कृते किम्बा प्रेणी ईश्वरा श्रद्धा हृदय वृद्धि कीर्ति भी सुशोभित तत्सनात्, कि अगर कोई सिर्फ क्या कर रहा है, अगर वो घर में भी बैठा हुआ है और वो सिर्फ इच्छा करता है कि मैं भी भागवत को सुनूंगा, भागवत ग्रंथ को मैं भी सुनने की वो सिर्फ इच्छा करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं, और ऐसे बंदी बन जाते हैं कि उन्हें निकलने का कोई उपाय भी नहीं मिलता, वो इस प्रकार से हृदय में बंद जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और जो तीसरा जो मंगलाचरण है इसका वो है प्रार्थना आशीर्वादात्मक, वो है निगम कल्पतो गणितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्ययुतम पीवतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। और ये जो भागवत है ये कैसा है, ये एक ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसे क्या करो बस पीते रहो, और इसको पीने से कभी भी तृप्ति भी नहीं होती, और इसमें गाय से कौन पी सकता है, इसमें बताया रसिका भूमि भावुका, जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, वे इसको पान कर सकते हैं। तो श्री जो सोना कागी ऋषि है सुख गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि क्या मतलब जो ये वैष्णव लोग होते हैं ये किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाते हैं इससे, तो इसमें कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागत्व विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवी क्रियते कथम, कि जो वैष्णव लोग होते हैं भक्ति ज्ञान विरागत्व कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से क्या करते हैं, इनका महान विवेक जो है वो दिन में दिन बढ़ता जाता है, और ये माया मोह जो माया मोह जैसे पिशाचनियां हैं इससे कैसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तब श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी जी है उन्होंने कलयुग कली काल में जीवों का उद्धार करने के लिए क्या किया, भागवत का जीवों को अत्यधिक नाश से बचाने के लिए भागवत कथा को बताया गया है। तो सोनकादृषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इस कथा को सुन के किसी का उद्धार हुआ है, तब कहते हैं हाँ हुआ है मेरे गुरुदेव कौन श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने किसको राजा परीक्षित जी को यह कथा सुनाई है जीवों का कल्याण करने के लिए, और जो उससे इनका उद्धार हुआ है वो कैसे, क्योंकि 7 दिन तक उनको एक स्थान में बैठकर उनको कथा सुनाई, और यह कथा से 7 दिन तक उनका उन्होंने कथा सुनी और उनका जो है उद्धार हुआ है। गौर प्रेमानंद जी और एक दिन बोलेंगे, ठीक है, अच्छा हो गया। बहुत श्लोक याद गया, अच्छी बात, तथा पूरी भागवत याद कर। हाँ तो तुम बोलो ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरी हरी खेल खेल रहे पादन्यासैः भुजित विश्वस्मृतै भूविलासैः भज्जन मध्यैः चलकुटपटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः सत्यन मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्धो गायन्तस्तै तडितैवता मेघ चक्रे विरेजु
सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अभय पाद अरविंदों में कोटि कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार 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 प्रणिपात करता हूँ। और भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी पाद प्रभु के गुरुदेव के बार बार चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि हमारी जो टीकाएं लिखी है श्रीमद रासलीला में उसके उसको लेकर के श्रीमद रासलीला क्या है आज से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शुरू करें। तो श्री गुरुदेव ने इस दास को इस योग्य समझा, यद्यपि ये दास तो किसी योग्य नहीं है पर फिर भी इनकी कृपा पंगुम लंगते गिरिं यत कृपा तमहं मन्दे श्री गुरुदीन तारणम के न्याय से इन्होंने कृपा करी है तो फिर इसके विषय में मैं कुछ कहूं। देखिए ये रासलीला जो है अनर्गल शब्दों से समझ लो अलंकृत है हमारे पूरे भारत में या बाहर जो भी है इसको इतना मतलब रासलीला को बिना सोचे समझे इस पर कटाक्ष आक्षेप विक्षेप किया है। ये लीला जो है इसके ऊपर मतलब अलग अलग बातों की टोंटिंग ये सब चीज है परंतु रासलीला को समझना इतना सहज नहीं है। रासलीला को ऐसे पढ़ करके भी कोई नहीं, कथावाचक आप लोगों ने देखे होंगे सीधा का सीधा जब दशम स्कंध में आते हैं तो जब रासलीला आते 29 स्कंध से लेकर के 33 तक जब स्कंदों का वर्णन करते हैं तो सीधा सीधा बिना किसी टीका के या बिना किसी जो शुद्ध अर्थ परक है जिसके कारण ये जो दुविधा रूपी प्रश्न है इसका खंडन हो सके इसके बिना ही लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। देखिए भगवान की लीला जो है वो दो प्रकार की है, पहली प्रकट लीला दूसरी अप्रकट लीला। प्रकट लीला हो जो प्रकट लीला वो होती है भगवान की जो इन नेत्रों से हमारे नेत्रों से गोचर हो सके, है ना, जो नेत्रों से देखी जा सके वो भगवान की प्रकट लीला है। और अप्रकट लीला कौन सी है भगवान की जो हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। जैसे सूर्य है, सन है ना, सूरज क्या है, प्रकट है कि अप्रकट है? सूर्य सदैव प्रकट है। आज सूर्य इधर है ठीक है और शाम हो गई तो हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, परंतु किसी और देश में सूर्य की उपस्थिति है ना, इस कारण से वह जो है वो प्रकट है। सूर्य सदैव प्रकट है लेकिन वो कभी दिखता है हमें कभी नहीं दिखता। ऐसे ही भगवान की जो लीला है गोलोक में वो नित्य 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 लीला है, वो नित्य होती रहती है और नूतन होती रहती है इस कारण से। अच्छा एक और बात, रासलीला जो है देखिए अगर मान लो हम लोग कोई टैबलेट लेते हैं, जैसे मान लो कोई गोली है ठीक है, हम लोग कोई प्रॉब्लम है ठीक है, तो हम लोग एक टैबलेट लेके आए, हम लोग ने कहा, किसी ने कहा अरे इस टैबलेट से तो ये रोग हो जाएगा, तो वो कहेगा अरे पागल वाली बात कर रहे, ये रोग कैसे होगा, इस रोग के शमन की तो ये टैबलेट है। लोग कहते हैं रासलीला को सुनने से अलग अलग प्रकार का काम उद्वेग होता है, पर ये गलत है। रासलीला तो काम भंजन लीला है, इसका फल लिखा है विक्रीडितं ब्रजवधूं विनिदं च विष्णोः श्रद्धान्नतोऽनुसृणया तपवरणयित्या भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामा हृदरोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। इसको श्रवण करने से रासलीला को, लेकिन किससे सद्गुरुदेव, हमारी परंपरा जो गुरु परंपरा है शुद्ध आचार्य की परंपरा में सद्गुरुदेव से श्रवण करने पे ही ये लीला को श्रवण करने से पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और हृदयो गमस्वपहिनोत्य चिरेण धीरा, हृदय का सबसे बड़ा रोग क्या है, काम जो है वह हृदय का सबसे बड़ा रोग है और इस लीला को श्रवण करने से काम ही दूर होता है। तो आप बताइए लीला कैसे हुई, रास लीला कैसे काम लीला कह दें हम लोग इस कारण से, इस पे बिना विचार करके बिना इसको जाने उत्तम से उत्तम शुद्ध और सात्विक और परम भगवान की परम प्रिय लीला है रास लीला।
इसलिए इसको इस तरीके से नहीं देखिए। और दूसरी बात, इसका पहला शब्द है, पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदो प्रफुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। योग मायाम उपाश्रितः, योगायाम मायाम ता उपाश्रितः। अच्छा एक और बात, हमारे टीकाकार लिखते हैं श्री जीव गोस्वामी कि यहाँ पे भगवान को योग माया की उपासना क्यों करनी पड़ी, भगवान को योग माया की उपासना क्यों करनी पड़ी, बिना योग माया के क्या ये लीला नहीं हो सकती थी। तो हमारे श्री जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि नहीं, बिना योग माया के भगवान ये लीला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि जो गोपी है भगवान, अब कोई एक गोपी तो है नहीं, बहुत सारी गोपी है, और बहुत सारी गोपियों को भगवान, एक एक भगवान जो है संतुष्ट कर रहे हैं, एक एक भगवान एक एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जब तक इसके अंदर, जब तक भगवान अलग अलग रूप नहीं धारण करेंगे, तब तक कैसे भगवान एक एक गोपी को संतुष्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए भगवान ने योग माया उपाश्रितः, योग माया की सहायता यहाँ पे श्री भगवान ने ली है ना। अमित रूप प्रगटे तिहि काला, और यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। भगवान एक एक करके सभी से ही मिले हैं, इस कारण से योग माया का यहाँ पे, योग माया की सहायता यहाँ पे भगवान ने ली है। अच्छा एक और बात, अब अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, क्या आप बताइए, क्या रासलीला को समझने के लिए कोई विधि है, क्या कोई उपयुक्त विधि है? है। क्या विधि है? इसमें श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, रासलीला को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, हम लोगों की सदैव दोष बुद्धि रही है, इस जीव की तो दोष बुद्धि ही रही है। यह जीव दोष के है कोश, और जाने को सही पर इनकी सुधिल रही किशोरी ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। ये जो जीव है ये दोष के कोश है, इस कारण से दोष ही दोष है, परंतु उपयुक्त साधन क्या है रासलीला को समझने का? तो हमारे टीकाकार श्रील जीव गोस्वामी पाद इस बात को लिख रहे हैं, वे कहते हैं कि रासलीला को समझने के लिए श्री सुखदेव जैसा कोमल हृदय होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए और भावुक हृदय होना चाहिए। इसीलिए तो रास, इसीलिए तो श्रीमद् भागवत के तीसरे मंगलाचरण में लिखा है, रसिकाः भुवि भावुकाः, रसिक होना चाहिए और भावुक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे, दूसरी चीज ये कही है, देखिए एक बात बहुत कड़वी परंतु ये बात कहनी आवश्यक है, आज जो कोई भी देखो वही श्रीमद् भागवत जी कहने के लिए हो रहा है, जो भी देखो चाहे कोई संप्रदाय का हो, उजूल फुजूल जो भी करता हो, वही श्रीमद् भागवत को कहने के लिए बैठा है व्यास पर, परंतु शास्त्रों की यह आज्ञा नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, जीव गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर इस बात को लिखा है, वे कहते हैं सुखदेव जी कौन है, ये आसन किसका है भागवत जी का, ये आसन उसका है जिसको स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं पता, उसका आसन है ये श्रीमद् भागवत जी। ऐसे थोड़ी कि कोई भी बैठ जाएगा इस पर कोई भी कथा कह देगा, इसीलिए नहीं, इसीलिए तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी को समझने के लिए और कहने के लिए पहले अपने हृदय से दोषों को खत्म करना होगा, भगवान के नाम आश्रय, गुरु के पादारविंदों का आश्रय पहले लेना होगा, इसीलिए क्योंकि ये आसन उसका है जिसको स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं पता, इस कारण से यही उपयुक्त साधन है। इसीलिए ही तो लिखा है जीव गोस्वामी पाद ने कि कौन इसको समझने का उपक्रम कर सकता है जिसके हृदय में जो जो स्त्री और पुरुष दोनों में कोई भेद ना समझे, जिसका मन विकारों से शून्य हो गया है वही इसको समझ सकता है। दूसरी बात, देखिए सुखदेव जी जो है वो साधारण नहीं है, व्यास मुनि ने सुखदेव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी है, ये बात लिखी है, सुखदेव जी को पाने के लिए व्यास जी ने पत्रिका आश्रम में तप किया है, तो श्री भगवान प्रसन्न हुए हैं तब जाकर के सुखदेव जी का आगमन हुआ है, ये बात भी हमारे जीव गोस्वामी पाद ने एग्जाम्पल देकर के लिखी है।
रासलीला के विषय में। अगली बात, एक और रासलीला, देखिए एक और बात, रासलीला को मदन मोहन लीला क्यों कहा गया है? कहते हैं ना मदन मोहन लीला। देखिए जो सब हमारे हम लोग हैं, ये सारा जो जीव है, इसके इस जीव के हृदय को किसने मथ रखा है, किसने परेशान कर रखा है? काम ने। काम ने इतना परेशान कर रखा है जीव को कि जीव जो है बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे जो है वो काम के संपर्क में आ गए महाराज, है ना। इसी का यही कारण है कि ये इसमें ये बताया गया है कि मदन मोहन लीला क्यों कही गई है रासलीला को, क्योंकि मदन जो है वो काम को कहा जाता है ना। और मदन मोहन जो मदन, मदन यानी काम के भी मन को मथ दे, काम को भंजन कर दे, उसे श्री कृष्ण कहते हैं। और ये पूरी की पूरी रासलीला काम का मर्दन है। अनंग वर्धनम तस्य अनंग वर्धनम इति अनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम बलस्त्रिया कृष्णगृहीत मानसाः आजतमुनन्यम्यमलक्षितोद्यमासयत्रकान्तो जगलोलकुण्डलाः। इस कारण से पहले मन, पहले काम को, काम के मन को मथा है, और काम के मन को श्री कृष्ण ने मथा है, इसलिए मदन को मोहित किया है। इस कारण से इस लीला को मदन मोहन लीला कहते हैं, मदन मोहन। लेकिन हमारे श्री जी कौन है? हमारी श्री जी है जो मदन मोहन के भी मन को मत दे, यानी श्री ठाकुर जी के भी मन को मत दे, इसलिए श्री जी को कहा गया है मदन मोहन मोहिनी। यही कारण है। एक और प्रश्न, आखिरी एक और बात है, देखिए इसके अंदर बताया गया है, एक प्रश्न और है रासलीला के विषय में। वैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन थोड़े थोड़े ही करके वो सुनेंगे। भोगी ज्ञानी और भक्त के आनंद आस्वादन में क्या भेद है? भोगी ज्ञानी और भक्त के आनंद आस्वादन में क्या भेद है? भोगी है वो आनंद आस्वादन करता है, तो किसके लिए? केवल भोग, जितने उसकी इच्छा वांछा भोग की होगी वो उसी प्रकार का आनंद का आस्वादन करेगा। ज्ञानी, ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप का, जो उसको उससे आनंद मिल रहा है उससे आस्वादन करेगा ज्ञानी, भोगी। और भक्त के किसका आस्वादन करेगा? भक्त के आनंद आस्वादन में क्या भेद है? भक्त जो है वो श्री भगवान के ही लीला का आस्वादन करेगा, इसलिए जो रास लीला है वह भक्त के आस्वादन करने की लीला है। भक्त ही इसको आस्वादन कर सकता है, शुद्ध भक्त ही इसको आस्वादन कर सकता है, इसलिए इसको कामक जल कहा है हमारे गोस्वामी लोगों ने। बस आज कितने ही प्रश्न, वांछा कल्प तरु निश्चय प्रवास कविता नाम वृंदावन गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्मा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव वैष्णवियों के चरण में जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे, अभी भगवान कृष्ण प्रादुर्भूत होने वाले हैं, और प्रादुर्भूत होने से पहले जैसे आकाश में काला मेघ छा जाए तो
चार व्यक्ति विशेष करके प्रसन्न होते हैं। कौन कौन चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं? बोलो जोर जोर से। इसलिए यदि ये चार व्यक्ति विशेष करके प्रसन्न होते हैं, गतकल हम लोग श्रवण किया था कि चार व्यक्ति कौन है। अभी ठाकुर जी प्रकट होने वाले, इतने में सारे देवता ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र जितने सारे देवता लोग आकर के भगवान की गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपदे। कहते यहाँ पर इसी श्लोक को परमेश्वर विश्वनाथ शरण ठाकुर कहते हैं, इनका सब अलग 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 नाम बताया। कहते इसी अवास्तव संसार में अगर कोई सत्य है तो जगत में एकमात्र वास्तव सत्य कौन है? कहते भगवान ही जगत में एकमात्र वास्तव सत्य। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसमें क्या बताया? बोले सत्यम परम धीमहि। कहते वो परम सत्य को हम सबके सब ध्यान करते हैं, है? परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। इसलिए और यहाँ पर पहला जो शब्द आया है सत्य व्रतम, कहते भगवान का जो व्रत ये सत्य है। कहते भगवान का व्रत क्या था? जिस समय सब देवता लोग जाकर के खीर समुद्र के तट पर स्तुति किया, पृथ्वी पर में बड़े बड़े दैत्य लोग जो राज विशेषाय दैत्य लोग जो बड़े बड़े उत्पीड़न कर रहे थे, सबके सब अत्याचार कर रहे थे, पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा श्री शंकर जी के पास में, अरे इंद्र को लेकर के जब उन्होंने स्तुति की, इतने में आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी अपना दिव्य ध्यान से दर्शन किया ठाकुर जी, बोले कोई चिंता मत करो, पृथ्वी का दुख मैंने जान लिया। इसलिए हे देवताओं सबके सब जदुवंशी में जन्म ग्रहण कर रहे देवियां सबके सब तुम गोपी बन करके आओ, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। ठाकुर जी ये बात बताए थे मैं आऊंगा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं सत्य व्रतम। जिन्होंने बताया था मैं जरूर आऊंगा, इसलिए सब देवता लोग बोले प्रभु आपने जो बताया था आप सही बताया था और सचमुच से आप आ ही गए। इसलिए कहते ये एक अर्थ, दूसरा अर्थ सत्य व्रतम। कहते भगवान का जो व्रत है ये सत्य है। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखते ना, कोई सोम कोई मंगल कोई बृहस्पति अलग अलग कोई एकादशी व्रत रखते हो, भगवान कहते मेरा भी एक व्रत है। कहते भगवान की क्या व्रत है? भगवान की ये व्रत है सकृत एव प्रपन्ना जस तबाम स्मृतते दाजते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम एतत् व्रतम मम। ये भगवान का व्रत है, हैं? बल्कि ये श्लोक को कौन कह रहे हैं? भगवान राम। बोले कब कह रहे हैं? बोले जिस समय श्री विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, देखो हम पुलस्त वंशज वंशधर है, हम ऋषियों का वंशधर, हमारी ये धर्म नहीं पराई स्त्रियों को चोरी करके लाना, ये हमारा धर्म नहीं है, इसलिए जाओ ये लक्ष्मी साक्षात श्री सीता देवी राम को वापस देकर क्या रावण लात मारी। बोले मेरे को समझा रहे हो, हैं? लात मारी तो उसने अपना मुकुट को रावण को पास में देख करके उसने प्रभु राम के शरण में आए। जब राम के शरण में आए उसी समय में उनने सबको पूछा, अभी बताओ उसको क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? सुग्रीव को पूछा उसको क्या करनी चाहिए, खबरदार इसको स्थान बदलो, ये राक्षस है। और ये रावण जब सबसे जो बड़ा आपका शत्रु इसका छोटा भाई, पता नहीं इनको समझना बड़ा कठिन, पता नहीं कौन सा उद्देश्य लेकर के आया, कौन सा उद्देश्य लेकर आया, क्या करना, खबरदार इसका आश्रय नहीं था, कोई भी आश्रय देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुए। लेकिन जब श्री हनुमान जी को पूछा ना, केवल हनुमान जी बोले प्रभु मैं गया था, इसने ही मेरे को माता सीता कहाँ पर है इसने ही मेरे को बताया था। इसलिए उस समय भगवान राम कहते हैं, उसी समय कह रहे हैं भगवान कौन है? एक मुहूर्त में विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति जो प्रलय कर सकते हैं उनका कोई जरूरत नहीं, विभीषण आए नहीं आए कोई जरूरत नहीं है भगवान के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं इसने जो मेरे शरण में आ गया है, जो एक बार मेरे शरण में आकर एक बार आकर के बोल दे ठाकुर जी मैं तेरा हूं और तू मेरे हो, एक बार कोई बोल दे,
हैं। भगवान कहते सकृत एव प्रबन्न जस तबा स्मित जाते अभयम सर्वदा तस्मयी, उसको मैं हर समय अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरी व्रत है। इसलिए कहते सत्य व्रतम, विशेष करके भगवान की जो सत्य व्रत है, इनका व्रत सत्य किसके लिए सत्य व्रत, बोले इसलिए मेरे जो शरण में आने वाले जो भक्त हैं, ये भक्तों को हर समय में अभय प्रदान करता हूँ, ठाकुर का ये व्रत है। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, कहते ये तीन काल में ही सत्य सत्य व्रतम सत्य परम, कहते यहाँ पर स्वभक्त पालन है, इसलिए भगवान हर समय अपना भक्तों को हर समय भगवान पालन करते हैं। इसलिए महाभारत में एक श्लोक है, बोले सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण सत्य मात्र प्रतिष्ठितम सत्यात सत्य ही गोविंद तस्मात सत्य ही नाम, ये महाभारत का श्लोक है। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, बोले कृष्ण हर समय सत्य में ही वो प्रतिष्ठित रहते हैं, सत्य मात्रम प्रतिष्ठितम, बोले सत्यात सत्य ही गोविंद, कहते सत्य में भी अगर सत्य कोई है, ये गोविंद ही सत्य के अंदर में ये सत्य है, तस्मात सत्य ही नाम होता, इसलिए भगवान का नाम सत्यम परम धीमही, ये परम सत्य है। इसलिए भगवान बोले त्रिसत्यम, एक शब्द आया त्रिसत्य, त्रिसत्य मतलब भगवान का ज्ञान बल और कार्य, ये तीन शक्ति है भगवान की है, भगवान की तीन शक्ति है, ज्ञान शक्ति बल शक्ति और कार्य शक्ति, ये तीन शक्ति जिनका सत्य है। कहते सत्य सोनी, कहते सत्य सोनी क्यों बताए, ज्योनी मतलब बताए सृष्टि, भगवान की जो सत्य सोनी मतलब भगवान से जो अनंत अवतार निकले, विशेष करके भागवत में 26 अवतार का नाम लिया है, हैं मत्स्य कुरुमा बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, ये जितने भगवान का जितने अवतार हैं, हैं पहला अवतार पहले चतुसन जैसे नारद है, बराहदेव है, श्री चतुसन है, हैं ये भगवान जो बद्रीनाथ है, ये जितने भगवान के जितने अवतार हैं, कहते ये जितने सारे अवतार, इस सब के सब अवतार भी सत्य हैं, और इसका जो उद्गम स्थली है सत्य से ज्योनी, ये सारे अवतार सत्य, लेकिन इनका मूल ज्योनी सृष्टि मूल कौन है, बोले कृष्ण, जिनसे ये सारे अवतार आते हैं वो भी सत्य है, और जितने अवतार आते हैं उनका सब धाम भी भगवान, सब अलग अलग ठाकुर का धाम, कहते वो भी सब के सब सत्य है। बोले निहितंच सत्य, भगवान कहाँ पर रहते हैं, बोले भगवान सत्य में ही रहते हैं, सत्य में, बोले कहाँ सत्य में रहते हैं, कहते भगवान का जितने धाम हैं वो सारे धाम भी भगवान कहाँ रहते हैं, अपना जैसे वैकुंठ धाम में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, द्वारका में रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी जहाँ नितंच सत्य, भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान का जितना अनंत वैकुंठ है वो सबके सब भी सत्य है। बोले सत्य सत्य, जगत में जितने सत्य हैं, अगर सारे सत्य में अगर कोई सत्य हो तो कौन है, बोले भगवान कृष्ण ही सत्य सोच सत्यम सत्यात, सबके सब सत्य है। बोले सत्यात्मकम, सत्यात्मकम मतलब जिसका आत्मा ही सत्य है, मतलब भगवान के जितने विग्रह है ये सारे विग्रह भी ये सत्य है भगवान के, इसलिए यहाँ पर सत्य की बहुत सारे उन्होंने झरी लगा दी जगत में, भगवान अगर कोई सत्य स्वरूप श्री ठाकुर जी है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए उसको बाद में कहते बोले प्रभु बोले कुर्बंती गोस्पदम भवाधीम, कहते जो व्यक्ति आपका चरणों को आश्रय ग्रहण करते हैं, ये भवसागर को पार होना बड़ा कठिन है, इसलिए भवसागर को पार होना बड़ा कठिन है, इसलिए भू मतलब तो होना, पता नहीं कब से हम भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष्योनि में हम भटक रहे हैं,
इसको पार होना इतने आसान नहीं। यहाँ पर कहते हैं कौन ये भवसागर का आसानी से पार हो जाते हैं, कहते वही पार हो जाते हैं जो ठाकुर जी के चरण को आश्रय ग्रहण करते हैं, वो आसानी से ही ये भवसागर को पार हो जाते हैं। बल्कि कैसे, एक उदाहरण दिया, जैसे गैया का, जैसे खुर बछड़ा का खुर, उसमें कितना पानी होता है, थोड़ी सी पानी होता है, जैसे हम उसको आसानी से ही पार हो जाते हैं, वही लोग ये भवसागर का आसानी से पार हो जाते हैं जो ठाकुर जी का चरण को आश्रय ग्रहण करते हैं। वही व्यक्ति ही भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। बोले स्वयं समुतीर्ण दुस्तरम दामम भवान नव भीम मदम भ्रसौ हृदा भवत पदम भोज नवमत्र ते निधाय जाता सदनुग्रह भवान। कहते हे प्रभु, जो व्यक्ति आपका चरण को आश्रय ग्रहण करते हैं, कहते भवसागर को अनायास में ही ये पार हो जाते हैं। लेकिन ये लोग तो अनायास ही पार हो जाते हैं, लेकिन पार तो हो जाते हैं। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे हम एक नदी को पार करते हैं, नदी को जब हम नदी पार करते हैं, कैसे, जैसे नाव से पार किया, जब पार करेगी वो नाव किधर रहेगा, वो जिधर हमें छोड़ेगा वो नाव उधर रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, कहते हे प्रभु, जो संत लोग, जो वैष्णव लोग आपका चरण को आश्रय करते हुए ये भवसागर को जो गोस्पद जैसे पार तो हो जाते हैं, लेकिन पार होने पर नाव कहाँ रहता है, जैसे नाव हमें पार करेगा वो नाव उधर रहेगा ना, कहते नहीं वो नाव इधर रह जाती है, वो नाव इधर रह जाती है, नाव से पार होंगे नाव तो उधर रहेगा लेकिन नाव इधर रह जाती है। बोले इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है वो तो स्वयं पार हो जाते भवसागर को, तुम्हारे चरणों का आश्रय करते हुए अब चरण भी नाव से तो पार हो जाते हैं लेकिन नाव को इधर छोड़ जाते हैं। मतलब क्या, अपना जो शिष्य प्रशिष्य को जो छोड़ करके जाते हैं, है? छोड़ करके जो जाते हैं, कहते पार तो हो गए लेकिन नाव उधर बन गया। जैसे हमारे गुरुदेव चले गए, हमारे गुरुदेव चले गए लेकिन जाने पर भी उन्होंने क्या क्या किया, भवसागर तो पार हो गए लेकिन छोड़ कर किसको गए, अपना भक्तों को, शिष्य प्रशिष्य को, गुरु परंपरा को उन्हें छोड़ कर गए। फिर देखो जैसे हम लोग कथा सुनाते, गुरुदेव ने कथा हमको सुनाए, जैसे अभी बच्चे लोग सब कथा सुन रहे हैं और सब कथा सीख रहे हैं, जो गुरुदेव पार तो होकर चले जाएंगे लेकिन छोड़ कर किसको चली जाएगी, अपना शिष्य प्रशिष्य को छोड़ चले गए। फिर जो व्यक्ति फिर भगवान का नाम को, भगवान के चरण को आश्रय ग्रहण करेगा, इनसे जो कथा करेगा, फिर भवसागर से वही पार हो जाएंगे। मतलब ये अद्भुत वस्तु है, स्वयं पार होकर के नाव उधर नहीं रह, नाव इधर रह जाती है, सबके सब उससे पार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु, बोले जे अन्न अरबिंदाक्ष विमुक्त मानिना, इस श्लोक को याद करना। बोलो क्या, हाँ, आरुज कृष्णेन परम पदम तत पतन्ति अधो अनादृत जुष्मद अंग्रह। देखो ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, कहते हे प्रभु, हाँ, इसलिए अगर कोई बोलता है भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करने का क्या जरूरत है, भवसागर पार होने के लिए ठाकुर जी का चरण का आश्रय करने का कोई जरूरत नहीं, हम किसको द्वारा, बोला हम ज्ञान को द्वारा हम क्या करेंगे, ये भवसागर को पार हो जाएंगे, हैं, पार हो जाएंगे। तब इसके लिए यह कहते हैं, बोले नहीं, कहते हे पद्मलोचन, हे अरबिंदाक्ष, मतलब जिनका आंख कमल जैसे है अरबिंदाक्ष, इसलिए जो लोग भक्ति को छोड़ करके स्वयं मुक्ति को आश्रय ग्रहण करते हुए ये भवसागर को पार होना चाहते हैं, आरुज्य कृष्ण परम पदम। देखो भक्ति में ज्ञान में क्या फर्क है, भक्ति आपको करने के लिए कोई गुण की जरूरत नहीं, भक्ति करने के लिए प्रभु की कोई गुण की जरूरत नहीं, आप ठाकुर जी मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, कोई भी आकर के मंदिर परिक्रमा करते हैं, कोई भी आकर ठाकुर कथा सुनते हैं, कोई भी आकर के ठाकुर जी का नाम करते हैं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कहते भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी श्रद्धा हो, आओ भगवान की भजन करना शुरू कर दो। ज्ञान में से नहीं, अब ज्ञान में आने के लिए आपको अंतर इंद्रिय और जो बहिर इंद्रिय पहले आपको दमन करना पड़ेगा, और अंतर इंद्रिय दमन करना इतना आसानी बात नहीं, ये बाहरी इंद्रियों को दमन करना इतना कोई
आसानी बात नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए कहते हैं भक्ति भी ऋजु मार्ग है, जो भक्ति मार्ग है वो बड़ा सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग जो ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, है? इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी लोग बड़े कठोर साधन भजन करते हुए आरुज्य कृष्ण परम पद बहुत उच्च पद को कहीं प्राप्त करने पर भी तत्व पतन्ति अधः, उनको वहां से पतन हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी का चरण को उन्होंने अनादर किया, भगवान की भक्ति को अनादर किया, भगवान का जो स्वरूप का अनादर करते हैं, भगवान को जो नाम रूप गुण ये लीला को ये अनित्य मानते हैं। इनका फिलोसफी क्या है? इनका फिलोसफी है वो पंच उपासक होते हैं, पांच देवता को पूजा, अच्छी तरह सुन लो, उनने पांच देवता को पूजा करते हैं, एक सूर्य को, गणेश जी को, देवी को, कृष्ण को और शिव को, ये पंच उपासक होते हैं। बोले इनको कब तक पूजा करेंगे? बोले देखो ये मन तो चंचल है, अब ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए कोई एक चीज का आश्रय चाहिए, इसलिए कब तक ये पांचों में एक को कब तक पूजा करेंगे? बोले जब तक ये मन हमारी एकाग्र नहीं, उसके बाद फेंक, जरूरत नहीं इसको, इसको फेंक दो और कोई जरूरत नहीं। लेकिन भक्ति जगत में ऐसे नहीं, भक्ति जगत में एक में तो हम अनन्य रूप में भगवान की शरण लेते हैं और ये विग्रह को हम नित्य मानते हैं। ठाकुर जी कहा नित्य, अभी जिस विग्रह को पूजा कर रहे हैं अंतिम समय में जब सिद्धि होगा उनको ही हम गोलोक वृंदावन में हाँ शुद्ध रूप में उनके हम सेवा करते हैं। इसलिए कहते ये लोग अब विशेष करके पतन क्यों होते हैं, देखो इसका दूसरा कारण बताओ, एक जो लड़की है ना, एक स्त्री से मुक्त नहीं होता है, एक स्त्री में आसक्ति होता है नहीं है, लेकिन एक पुरुष स्त्री में आसक्ति हो जाता है, एक स्त्री पुरुष में आसक्त हो जाता है, एक स्त्री में आसक्ति नहीं होता है, है? उसी तरह जो भक्ति है ये कौन है? भक्ति स्त्री और माया कौन है? वो भी स्त्री, भक्ति भी स्त्री और ये माया भी स्त्री होने का नाते कहते ये भक्तों का पतन नहीं होता है, क्योंकि एक स्त्री स्त्री में आसक्ति नहीं होता है, लेकिन एक पुरुष स्त्री में आसक्ति हो जाती है। ज्ञान क्या? पुरुष ज्ञान, ये पुरुष, पुरुष क्या होता है? स्त्रियों में आसक्ति हो जाता है, स्त्री भी पुरुष में आसक्ति हो जाती है, लेकिन एक स्त्री स्त्री में आसक्ति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान का चरण को ये अनादर करने का नाते बड़े उच्च पद को प्राप्त करते हुए भी उनको वहां से पतन हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो भक्त है ना, कब जितने विघ्न देने वाले हैं, जितने विघ्न देने वाले उनको सर को पर प्यार रख करके मेरे भक्त निर्भय होकर के सर्वत्र विचरण करते, मेरे भक्तों का कोई डर भय नहीं है, मेरे भक्तों का कोई डर भय नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बड़ी टीका लिखे इसके ऊपर, कैसे ज्ञानी लोग कैसे पतन हो जाते हैं। कहते कहते एक श्लोक है ना, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभू, बोलो श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभू क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धे तेसा क्लेशल एव अवशिष्यते यथा स्थूल दुसावधातिना। ये ब्रह्मा भगवान को स्तुति करते हुए, हे प्रभु तुम्हारी जो भक्ति मार्ग है ना बड़ा सरल मार्ग है, बड़ा आसानी मार्ग है तुम्हारी भक्ति मार्ग, इतने आसानी मार्ग। देखो कृष्ण गीता में उदाहरण देते कहते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पत्र पुष्प फलम त्वयम जो मैं भक्ता प्रयच्छति, भक्त अगर मेरे को भक्ति पूर्वक ये चार चीज में कोई एक चीज भी दे देना मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाता हूँ। उनने जो चार चीज का नाम लिया, कहते जो बिना पैसा में मिलता है, जिसको पैसा देकर खरीदने का नहीं पड़ता है, पत्र है रास्ता में जा रहे हैं कोई पत्ता उठा कर ठाकुर को दे दिया है, पुष्पम किसी पेड़ से फूल दिया ठाकुर को दे दिया, पानी रोटी में तो कहीं भी पानी मिलेगा पानी लेकर ठाकुर जी को दे दो है, फल कहीं से पेड़ से फल लेकर के ठाकुर जी को दे दो, इसमें चार चीज में कहते एक चीज भी अगर भगवान को कोई भक्ति से दे देता है ठाकुर खुश हो जाते। और जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन जो नव विद्या भक्ति में कोई एक भक्ति अगर भक्ति पूर्वक एक भक्ति को कोई जाजन करता है ना उसको कृष्ण प्राप्ति हो जाता है। इतने भक्ति सर्व मार्ग है, इतने आसानी मार्ग, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये ज्ञानी लोग क्यों इतने कठिन मार्ग में जाते हैं। बेकूफ उदाहरण देते तू से जिसमें ऑलरेडी चावल निकल गया,
अगर तू उसको कुटोगे तो फिर उसमें कभी चावल निकलेगा, वो निकलेगा नहीं, वो कुटना ही तुम्हारे सार रह जाएगा, कल परिश्रम होगा। इसलिए जो व्यक्ति मेरी भक्ति मार्ग को छोड़ करके ये ज्ञान मार्ग पर चलते, जैसे तू उसको जैसे कुटते कुटते हाथ दर्द हो जाएगा लेकिन उससे एक भी चावल उसमें नहीं निकलेगा, तो उसी तरह ये जो ज्ञानी लोग मेरी भक्ति को छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं बड़े उच्च पद से भी पतन उनकी होता है। अरे गीता में कृष्ण कहते हैं तेसाम अव्यक्त चिताना अव्यक्तम ही गतिर दुख, ये कृष्ण गीता में कह रहे हैं। जो मेरे निराकार रूप को उपासना करते हैं बड़ा कठिन मार्ग, और जो उसका जो फल है ना भगवान के तो दुखमय है, वो सुखमय नहीं है, कहते भगवान के लिए दुखमय है, दुखमय पर है। इसलिए क्या करनी चाहिए, कहते भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो, ये ज्ञान मार्ग को त्याग देनी चाहिए। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति को आश्रय करते हुए भजन करता है और निर्भीक न होकर के जो विपत्ति देने वाले उनका सर के ऊपर प्यार रख करके सर्वत्र विचरण करते हैं। जब ये बात बताए तो यहाँ पर एक ज्ञानी ने फिर प्रश्न करते हैं, बोले आप तो बोलो ज्ञान कोई निंदा निंदा करते हो, भक्तों का पतन नहीं और ज्ञानी को पतन हो जाता है। यहाँ कहते हैं आप कहते हो ज्ञानियों का पतन होता है भक्तों का पतन नहीं होता, मैं उदाहरण देता हूँ, उनको प्रश्न कर रहे हैं मैं उदाहरण देता हूँ किसका किसका पतन हुआ है। आप बताओ चित्रगुप्त महाराज का पतन हुआ कि नहीं, पतन हुआ कि नहीं, पतन हुआ। भरत हिरण बन गए कि नहीं, चित्रगुप्त महाराज क्या बने, वित्रासुर बने कि नहीं, पहले जो इंद्रदुम्न महाराज हाथी बने कि नहीं, हाथी बने ना, जो इंद्रदुम्न भजन कर रहे थे इतने में अगस्त ऋषि आए पूजा करते रहे उनको सम्मान नहीं किया, बोला हाथी जैसे बैठा हाथी बन जा, वो हाथी बने कि नहीं। चित्रगुप्त महाराज ऊपर में लेकर के विमान में भ्रमण कर रहे थे, शंकर जी को देखा गोद में पार्वती को लेकर उपदेश दे रहे, इतने में थोड़ी कटाक्ष कर दिया, अरे पत्नी को तो एकांत में लेकर बैठनी चाहिए, तो सबको सामने लेकर बैठे हुए, इतने में पार्वती बुझाओ बुझा राक्षस जन्म में चले जा। भरत पहले जीवन में भरत थे, हिरणपति आसक्ति हो गए, अब मरते मरते हिरण को चिंता किया, क्या बन गए, हिरण बन गए कि नहीं, बन गए नहीं हिरण। यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपिटिका में कहते हैं आप केवल ज्ञानी ज्ञानियों को कहते हो और ये भक्तों को दिखाई पड़ता है, ये तो पतन हुए, आप इतने ज्ञानी को निंदा क्यों करते हो। जब उन्होंने बात बताए तब कहते देखो ऊपर से दिखाई पड़ता है जैसे भक्तों का पतन हुआ, लेकिन कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन को द्वारा प्रतिज्ञा करके बोले कौंतेय प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणशति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए कैसेन का पतन नहीं हुआ, कल विषय को हम अच्छे तरह से सुनेंगे, कैसे इनकी पतन नहीं है, इनकी भक्ति कैसे बढ़ी है। यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इनकी भक्ति बढ़ी है, इनकी पतन नहीं हुई, कल इस विषय पर हम लोग श्रवण करेंगे। पुजारी आरती आरती करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
Thank you.